टू ऑल स्टूडेंट, अगेन आप लोगों का स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कूल में। फाइनली आप लोगों को एक झटका लग चुका है पीजीसीएल जेई और एमपीपीसीएल जेई की रिस्पांस की आउट होने के बाद। आप लोगों को ये पता लग गया और जितने भी 99% लोग जो उनको लग रहा था कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो उनको पता लग चुका है कि अब वो लोग सिलेक्शन की रेस से आउट हो चुके हैं। अगर आप लोग जो 99% सिलेक्शन की रेस से आउट हुए हैं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अगर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा और अगर आप लोग अपने सिलेक्शन के प्रति थोड़े बहुत भी क्यूरियस होंगे कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है और अपनी रिस्पांस की को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, तो आप लोगों ने क्या क्या पाया होगा पॉइंट देखिएगा। आप लोगों ने छोटे छोटे क्वेश्चन में स्लिम मिस्टेक की है, उसके पीछे का रीजन क्या था कि आप लोगों ने दोबारा पेपर रिवाइज नहीं किया, जो मैं हर बार अपनी वीडियोज में बोलता हूँ, और ये सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ जहाँ पे आप लोगों ने अपने 6 से लेकर 7 मार्क्स लूज किए। दूसरा सबसे बड़ा इशू कि जो भी पेपर हुआ है, चाहे वो एमपीपीसीएल का पेपर हुआ, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, चाहे वो पीजीसीएल का पेपर हुआ, 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। और जिन क्वेश्चन को जेई स्कॉलर ने अपनी क्लास में करवा रखा था, चाहे मैंने इल्यूमिनेशन की क्लास में करवा रखा हो, चाहे मैंने कंजर्वेशन एक्ट वाली क्लास में करवा रखा हो, चाहे मैंने ओसीएमटी और त्रिशूल 2.0 की मशीन और त्रिशूल 2.0 वाली क्लास में करवा रखा हो, आपने 20 क्वेश्चन को आप लोगों ने ऐसे ही जाने दिया, जिनको आप लोग हर दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे प्रिपरेशन करके आप लोग उन नंबर को बचा पाते। और जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको लग रहा होगा काश मैंने सुभाष सर की एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट वाली क्लास देख ली होती, तो जो उसने पूछ रखा चैप्टर 5 से है कि चैप्टर 6 से है वो मुझे पता होता, और जो इल्यूमिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ रखे हैं और जो मैं एग्जाम में गलत करके आ गया हूं जिसको मुझे एक्सेप्ट करना है वो शायद मेरा सही हो गया होता। तो ये जो आपके अंदर जो गिल्टी है ना, ये गिल्टी आपकी ऐसा नहीं कि इसी एग्जाम में है, ये गिल्टी आपकी हर एग्जाम में हो रही है, बट फिर भी वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रगलिंग फेज है, जो आपका 1 साल में ही कट डाउन होना चाहिए, वो 4 साल हो चुका है तब भी कट डाउन नहीं हो पा रहा। आपने तरह तरह के गुरुजी को फॉलो कर चुके हैं बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आपने पता नहीं कितनी बुक्स कर दी हैं, पेज बुक के आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, पेज बुक में तो आपके आपके जो रिस्पांस आता है, जो आपकी रैंक आती है बहुत अच्छी आती है, आपको लगता है कि हाँ मम्मी इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा, बट फिर एग्जाम में जाते हैं, फिर एग्जाम में फेल होकर आते हैं। बट ये आखिरकार चलेगा कब तक यार? आप एक चीज बंद कीजिए, या तो आप अपने स्ट्रगलिंग फेज को बंद कर दीजिए या आप पढ़ाई को छोड़ दीजिए, क्योंकि समय खराब करना कोई अच्छी चीज नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों से नहीं होगा बंद कर दीजिए, बट हाँ अगर आपको लग रहा है कि मैं पिछले 4 साल से खाली 10-15-20-30 मार्क्स से रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि आप मेहनत तो ठीक कर रहे हैं बट वो सही डायरेक्शन में नहीं है। सही डायरेक्शन क्या कि जो डायरेक्शन आपके एग्जाम को हिट करे, जो डायरेक्शन आपके एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, आप उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे। और ये गलती आप कोई 1 साल से करते हुए नहीं आ रही, ये गलती आप 2-3-4 साल से गलती आपकी चली हुई आ रही है। और गलती होगी क्यों नहीं? जिन गुरुजी को आपने फॉलो किया है उन्होंने अपने जीवन भर में सेम गलती कर रखी है, तो गलती होगी क्यों नहीं ये बताइए। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों एक ऐसे मेंटर की जरूरत होती है लाइफ में, जिसने उस स्ट्रगलिंग फेज का ऐसा कचूमा निकाल दिया हो कि कोई भी एग्जाम उससे ना बच पाया हो। इसीलिए जरूरत होती है आप लोगों को ऐसे मेंटर की, क्योंकि वो एग्जाम की रेंज को भाप सकता है, वो एग्जाम में कैसे सिलेक्शन चाहिए उसको समझा सकता है। पीजीसीएल में सबने बोला मेरी क्लास से क्वेश्चन आए, मेरी क्लास से क्वेश्चन आए, रिजल्ट के बाद देखिएगा किसके क्लास से कितने बच्चे हुए। बात उन 100 टेक्निकल क्वेश्चन की नहीं है कि 100 टेक्निकल क्वेश्चन, अरे 100 टेक्निकल क्वेश्चन इक्वल टू आईआर वाला आया, वो हर बच्चा करता, आप क्लास लीजिए नहीं लीजिए वो तो आप तब भी कर रहे हैं, बट क्या जो 20 क्वेश्चन आपके डिफरेंट आए क्या वो आपने अटेम्प्ट किए? बात तो इसकी है, मुद्दा इसका है, क्योंकि सिलेक्शन उससे होगा आपका, मुद्दा उस चीज का है, तो आंसर मिलेगा ना। बट यार कब तक चलाते रहोगे आप लोग ऐसे, बताइए जरा। मेरा किसी को भी ऑफेंस करने का मन नहीं है और ना मैं किसी को ऑफेंस करना चाहता हूँ, और ना मेरी और किसी की कोई लड़ाई है। मेरा खाली एक ड्यूटी है, एक कर्तव्य है कि आप लोगों को आपके स्ट्रगलिंग फेज से सही समय पर निकाल के सिलेक्शन फेज में बैठा दूं, और इसलिए मैंने जेई स्कोरर को ओपन किया था। माय नेम इज सुभाष और मैं करेंटली आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं आप लोगों की स्ट्रगलिंग फेज को कट डाउन करने के लिए। इसके अलावा मेरे 13 एग्जाम्स के अंदर में ऑल इंडिया रैंक 1 रही है, जैसे एनबीसीसी, एसपी, आईटीपीओ, डीएम, डीएमआरसी, एएम, यूपीएससी लेक्चरर, आरआरबी जेई, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। ऐसा कुछ तो अंतर रहा होगा ना मेरे में कि मैं इतने एग्जाम्स को क्लियर कर पाया, बाकी तो कोई भी नहीं बोल सकता, पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बोल सकता कि उसका एक भी एग्जाम निकला हो, और एग्जाम निकला होगा तो वो रिजल्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। कुछ तो डिफरेंट होगा ना मेरे अंदर, मैं यही डिफरेंस जो मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैंने इतने एग्जाम क्लियर किए, मैं यही डिफरेंस आप लोगों के अंदर क्रिएट करना चाहता हूं। बट दिक्कत यह है कि आप लोगों को मुझे फॉलो करने में तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको बार बार पिंच करता हूं, आप लोगों का जो सेफ जोन है, जो आप लोग बना के बना बैठे हैं, जो आप लोगों का कंफर्ट जोन है, उससे मैं बार बार आप लोगों को उठाने की कोशिश करता हूं, और जिसको आप लोग छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों की ईगो हर्ट होती है अगर आपके कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो। भैया ये ईगो आपको एग्जाम में ले डूब रहा है, आप लोग समझिए इस चीज को, क्यों नहीं समझते हैं आप लोग इस चीज को? आप लोग को जो आता है यार उसमें आप लोगों को एफर्ट करना ही नहीं है, आप लोगों को जो नहीं आता और जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं आपको उस चीज को एफर्ट करना है। मेरी बात कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा नहीं समझ सकता है, या जो अभी आया है कॉम्पिटेटिव लाइफ में वो नहीं समझ सकता है, बट जो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ रही होगी। खूब फेसबुक के आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, खूब आपके 200 में से 150 नंबर आ गए, बट एग्जाम में गए रियल लाइफ एग्जाम में तो आपके नंबर बन रहे 100। भाई ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि आप लोग नहीं समझ रहे हैं एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपका जो व्यू है, जो आपका कंफर्ट जोन है वो चेंज हो। मैं भी चाहता तो मैं भी आपको बहुत इजी क्वेश्चन करवा सकता था और बहुत भीड़ इकट्ठी कर सकता था मैं भी,
बट मैं नहीं करता हूँ ये पता होने के बावजूद, क्योंकि उससे आप लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं, आप लोगों का स्ट्रगल फेस होगा। तो ये आपके पास सही समय है आपकी स्ट्रेटजी, आपकी प्रिपरेशन, आपके गुरु जी को कन्वर्ट करने का। चेंज कर दीजिए सब कुछ और अपने आप को लास्ट टाइम के लिए झोंक दीजिए मेरे साथ। किसी की कोई स्ट्रेटजी, किसी का कोई सीरीज काम नहीं आने वाली है जब तक आप लोग अपने ऊपर एफर्ट नहीं करेंगे, और जब तक जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे। अभी एक सबसे बड़ा धक्का अभी आपको और लगेगा, केवीएस वर्क एक्सपीरियंस का भी जो एग्जाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा, 15 से 19 तारीख के बीच में इंटरव्यू हो जाएगा, और इंटरव्यू होने के बाद 340 बच्चों को सिलेक्शन लेगा और फिर वो 700 से 800 बच्चों को बाहर फेंक देगा निकाल के। आप समझ रहे हैं बात मेरी? इस चीज को समझिए, एनालिसिस कीजिए थोड़ा सा मेरी बातों का। पता नहीं आप लोगों को मेरी बातें कब समझ में आएंगी। यूपीएमआरसी का एग्जाम चला गया, केवीएस का एग्जाम चला गया, और अभी जो आप वेट कर रहे हैं ना, यूपीपीसीएल जेईई और यूपीपीसीएल की वैकेंसी आएगी, धमाका मचाएगी और फिर वही 200-250 बच्चों को लेकर जाएगी। आप लोग अपने आप को ऐसा बनाइए, ऐसा नहीं कि एक ही वैकेंसी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कितनी वैकेंसी आ रही है, इसरो की आ चुकी है, बार की आ गई है, डीएमआरसी की, कहां कहां की वैकेंसी आ रही है, पर सिलेक्शन कहां ले रहे हो आप लोग? अपनी तैयारी को कहां चेंज कर रहे हो आप लोग? कहां आप लोग प्रिपरेशन को चेंज कर रहे हो? जब तक आप लोग अपने अंदर कुछ नया इंप्लीमेंट नहीं करिए, क्यों सिलेक्शन होगा आपको बताइए जरा मुझे। और अगर इतना ही करने से अगर सिलेक्शन हो रहा होता तो जो वहां पे जाके 20,000-30,000 रुपए की सैलरी ले रहे तो उनका सिलेक्शन हो गया होता, जो अपने आप को इतने बड़े गुरुजी बनते हैं हर चीज के। तो आप लोग थोड़ा अपनी बुद्धि का यूज कीजिए। मैं किसी को ऑफेंस नहीं करना चाहता हूं, मैं अगेंस्ट बोल रहा हूं मैं ये बात, बट मैं रियलिटी आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लोग एक बात समझिए कि आप लोगों का स्ट्रगलिंग फेस कब दूर होगा और कैसे आप लोग अपने फेलियर को हैंडल करेंगे। बहुत लोगों का दिल टूट चुका है पीजीसीएल जेई और एमपीपीसीएल जेई की रिस्पांस की देखने के बाद। तो ये वक्त अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने का नहीं है, ये वक्त कुछ कर दिखाने का है। और आप लोग प्रण लीजिए ना कि आज से मैं वो क्वेश्चन करूंगा जिस क्वेश्चन की नीड है। आज से मैं ब्लाइंडली जेई को भैया फॉलो करूंगा, जितनी सर ने फ्री में सीरीज दे रखी है मैं उनको फॉलो करूंगा। प्लीज सर कुछ क्लासेस यूट्यूब की जो जनता है उनके लिए भी लीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप लोग चीजों की गंभीरता को समझिए। यूपीपीसीएल जेई और यूपीपीसीएल ही आपको अगस्त एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। लेट हो रहा है, लोकसभा का इलेक्शन लेट हो चुका है, दिसंबर के आसपास शेड्यूल होगा लोकसभा का इलेक्शन, इस चक्कर में आपकी वैकेंसी लेट हो रही है। 593 नए सबस्टेशन बनने वाले हैं, उसमें भी नए जेई की रिक्रूटमेंट होगी, तो इस बार जेई की वैकेंसी और ज्यादा आने की संभावना है। मैं एक नया वीडियो बना के आपको क्लेरिफाई कर दूंगा। नॉन टेक के ऊपर आप अभी से फोकस करें, विदाउट नॉन टेक सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारी मैंने सीरीज अपलोड कर रखी है, उसको फॉलो कीजिए। और सबसे बड़ी चीज यार, चैनल को स्विच कीजिए। मेरे चैनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, स्विच माई चैनल। दूसरे के चैनल से सिलेक्शन नहीं हो रहा, स्विच डेट चैनल। बट चैनल को स्विच कीजिए और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। अगर बार बार सेम चीज कर रहे हैं ना किसी चैनल पे, बंद कर दीजिए यार, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अगर मुझसे कुछ नया मिल रहा है तो मेरा करिए, अगर कहीं और से नया मिल रहा है तो कहीं और का करिए, मेरा बंद कर दीजिए। बट चैनल को स्विच करना सीखिए। जितने नए बच्चे हैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि बहुत सारी मेरी फ्री में वीडियोज हैं, उनको जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम की डेडिकेटेड प्रिपरेशन होती है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए। मैं अभी जो हो गया सो हो गया, मैं अभी इसरो और बार्क के लिए नई सीरीज लॉन्च करूंगा अगले हफ्ते से, यूट्यूब पे चलेगी। बट आप लोगों को एडवाइस है, आप लोगों को सजेशन है मेरा कि भैया सीरीज पूरी देखनी है, जो मैं करवा रहा हूं वो ना एग्जाम में हिट हो डायरेक्ट तो बता दीजिएगा। पीजी चैनल में कितने रिपीट क्वेश्चन आए, जो 20 क्वेश्चन नए थे जिसमें जो जनरली बच्चे ने गलत किया वो दिखा दूंगा आपको कहां से रिपीट आया, और जो हमारा एमबीपीसीएल की जो सिर्फ थर्ड जो आया था उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन डिक्टो कॉपी पेस्ट आए थे मेरी क्लास के। ठीक है, यही था आज की वीडियो में। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। और मैं आप लोगों को लास्ट बार फिर कह रहा हूं कि आप लोग गुरुजी को अपने चेंज कर दीजिए, सिलेक्शन आप लोगों के कदमों में होगा, ये बात मेरी लिख लीजिए। मैंने भी बहुत टीचरों को फॉलो कर रखा होगा और किसको क्या आता है मैं उनको हर तरीके से जानता हूं। ठीक है, और मेरा रिजल्ट आप लोगों के सामने है, तो बिलीव इन माय वर्ड्स, बिलीव इन माय स्टूडेंट्स रिजल्ट। एमपीपीसीएल में मैं अगेन कह रहा हूं मैं 15 से 16 बच्चों को सिलेक्शन दूंगा, पीजीसीएल में भी मैं इतने बच्चों को सिलेक्शन दूंगा, केवीएस में लगभग 40 से 45 बच्चों को सिलेक्शन दूंगा वर्क एक्सपीरियंस की पोस्ट पे। तो ये मेरा कमिटमेंट है, और जब रिजल्ट आएगा और जिस रिजल्ट रिलीज होगा सबसे पहले मेरा ही चैनल अपडेट होता है, ये आपको अच्छे से पता है। यही था आज की वीडियो में, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और आप लोग मेरी इसरो और बार की जो क्लासेस चलेंगी उनको आप लोग 100% फॉलो करने वाले हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर करने वाले हैं। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।